हेड ऑफ द स्पीच, इनिशियल स्पीच, स्टार्टिंग ऑफ द स्पीच, लॉजिकल फैक्ट, जोक्स, फैक्ट, इंटरेस्टिंग. अगर आप हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, तो हम बताएंगे आपको 26, जबकि ये रॉन्ग होता है. अगर आप भी सोच रहे हैं 26 अल्फाबेट होते हैं, तो आप भी गलत हैं. कितने अल्फाबेट होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, नहीं तो हमारी किसी वीडियोस में मैंने बताया, आप जाके सर्च करके देख सकते हैं. दिस इज आवर टुडेज टाइटल, दैट इज क्विकली हाउ टू स्टार्ट अ स्पीच. किसी स्पीच को स्टार्ट कैसे करते हैं, किस तरीके से. तो आज मैं आपको बताने वाला 3 स्टेप जिससे आपकी स्पीकिंग काफ़ी अच्छी खासी हो जाने वाली है, कोई भी अच्छी खासी आप स्पीच दे सकते हैं. सबसे पहले हाउ टू स्टार्ट स्पीच, इसके मैं एटलीस्ट आई विल टीच यू 3 स्टेप्स. मैं आप यहाँ पर आपको 3 स्टेप्स बताऊँगा. और कौन से स्टेप्स बताऊँगा, एक फनी अंदाज में. फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप. क्लियर? ये तो फनी अंदाज रहा कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, लेकिन फर्स्ट सेकेंड थर्ड में मैं आपको कौन कौन से स्टेप बताऊंगा जिससे आप कोई भी स्पीच अच्छी खासी दे सकते हैं. तो चलिए देख लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेप आ जाता है, हाउ टू गिव योर स्पीच, स्पीच को कैसे दें. तो हमारे पास आता है फर्स्ट स्टेप. क्लियर? तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए किसी भी स्पीच को देने के 3 एलिमेंट नॉर्मली होते हैं. सबसे पहले हमारे पास हो जाता है जिसको कहते हैं हेड ऑफ द स्पीच, होता है हेड ऑफ द स्पीच, किसी भी स्पीच का हेड. इसी हेड को हम क्या कह सकते हैं, इसी हेड को हम कह सकते हैं इनिशियल, इनिशियल ऑफ द स्पीच, यानी उस स्पीच का इनिशियल. और इसको कह सकते हैं हम स्टार्टिंग, क्या कह सकते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द स्पीच, यानी स्टार्टिंग की स्पीच हो गई. या फिर हम कह सकते हैं कि ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ द स्पीच. क्लियर? तो हमारे पास 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं. फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेप पे हेड ऑफ द स्पीच जिसको हम कहते हैं, दिस इज द हेड ऑफ स्पीच. हेड ऑफ स्पीच को और क्या कह सकते हैं, इनिशियल ऑफ द स्पीच, क्या कह सकते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द स्पीच, या कह सकते हैं हम लोग ओपनिंग ऑफ द स्पीच. ये सारी चीज़ें होती हैं. और इन सब में क्या क्या आता है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास जो आता है जिसको कहते हैं कोटेशन, क्या कह सकते हैं, कोटेशन. कोई भी स्पीच आप कैसे स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आप कोई सा भी कोटेशन बोल सकते हो. जैसे आप बोल सकते हैं इफ़ आई न्यू वट यू थिंक आई वुड नो वट यू आर, अगर मैं जान जाऊँ कि आप सोचते क्या हैं, तो मैं समझ जाऊँगा कि आप भाई हैं कैसे, क्योंकि हमारी सोच ही डिसाइड करती है कि व्यक्ति कैसे हैं. तो दिस इज योर कोटेशन. तो अगर आप कोटेशन से स्टार्ट करेंगे तो लोग पहले सुन लेंगे कि ये कौन सा कोटेशन या कैसा करके बोल रहे हैं, तो दे विल बी इंटरेस्टेड एग्जैक्टली. सो यहाँ पर हो गया सबसे पहले कोटेशन, या फिर कोई सी बात नॉर्मल स्टोरी स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से, स्टोरी टेलिंग. क्लियर? तो ये स्टार्ट करने का बहुत बेटर एंड फैंटास्टिक वे होता है. एंड इसमें कोई सी भी आप सीरियस स्टोरी ले सकते हैं, मोस्टली फनी स्टोरी लेंगे तो बेटर रहेगा. क्लियर? इस तरीके से आप स्टार्ट करते हैं कि यू नो वंस अपॉन अ टाइम व्हाट हैपेंस, आई वाज गोइंग देयर, व्हाट हैपेंस, यू नो आई सॉ अ डॉग एंड ही वाज हैविंग एनाकोंडा, वो एनाकोंडा खा रहा था, ऐसा कभी हो सकता है. दिस इज अ फनी स्टोरी, राइट, जस्ट लाइक दैट. ओके, तो आप नॉर्मली ऐसे कोटेशन इस तरीके से स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो स्टोरी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि आपकी जो स्पीच है, मतलब आपकी जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, उससे थोड़ा मैच करना चाहिए. नहीं मैच हो रहा तो थोड़ा अजीब लगेगा, बट अगर मैच खा रहा है तो दैट्स फैबुलस एंड फैंटास्टिक फॉर यू इफ यू आर सेलेक्टिंग लाइक दैट. सो फर्स्टली कोटेशन, स्टोरी, देन वी हैव एक्चुअली पजल. नेक्स्ट हम स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम अ पजल, मतलब किसी पजल से स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि अंत कटे तो सिया बने, सिर कटे तो मित्र, बोझे भाई कहानी बड़ी विचित्र, आप क्या बताएंगे बताइए. अंत कटे तो सीता बने, सिर कटे तो मित्र, कहानी बड़ी विचित्र. आप जरूर इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा अगर आपको ये पजल आती है तो. चलिए आप पजल से भी स्टार्ट कर सकते हैं जिससे लोग सुनने लगेंगे. नेक्स्ट प्लीज आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी साइकोलॉजिकल ठीक है, आप किसी भी साइकोलॉजिकल क्वेश्चन को आप उठा सकते हैं या साइकोलॉजिकल फैक्ट को ले सकते हैं इस तरीके से. जैसे क्या आप हमेशा आपके साथ ही बुरा होता है, आपके साथ ऐसा बुरा क्यों होता है हमेशा, ये सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं. क्लियर? ऐसे कह सकते हो कि हमेशा आप ही के साथ बुरा क्यों होता है, ये मेरे पास इसका आंसर. तो आप इस तरीके से कुछ कह सकते हैं कि आपके साथ हमेशा बुरा क्यों, तो कुछ साइकोलॉजिकल क्वेश्चन जो ऐसा लगे कि यार ये तो सही बंदा बोल रहा है. क्लियर? कुछ हमारा ऐसे लगे PSY देन साइकोलॉजी. क्लियर नॉट? ऐसे रहेगा तो बहुत बेटर होने वाला है. नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हो गई. चलिए हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट वाला क्या हो जाता है. नेक्स्ट देखिए, ये साइकोलॉजिकल हो गया, साइकोलॉजिकल फैक्ट. नेक्स्ट हम किसी भी जोक. क्लियर?
किसी भी हम जोक से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपके जोक से कुछ किसी का नहीं बट ऐसे मजाक उड़ाना है राइट, जिस तरीके से आप बोल सकते हैं, कोई सा भी आप फैक्ट बता सकते हो राइट, अगर फैक्ट बताएंगे बहुत बेटर रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको फैक्ट बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए एब्स्टेमियस एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें ऑल द वाउल्स, इसका मतलब ए ई आई ओ यू, सारे वाउल इसमें आ जाते हैं, ये होता है एब्स्टेमियस, एक ऐसा वर्ड है जिसमें एक सीरियल वाइज आता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं बट नॉर्मली मैं ऐसे बता दिया, क्या आप भी जानते हैं ऐसा कोई वर्ड जिसमें क्या होता है सीरियल वाइज से ए ई आई ओ यू आ जाता है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते नेक्स्ट, आपने फैक्ट बता दिया, फैक्ट के बाद आप कोई सा भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई सा भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठा लीजिए राइट, इफ़ यू नो अबाउट द एग्जैक्टली, नहीं आता है तो गूगल कर लीजिए, बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन या आपको जो लग रहा है वैसा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कोई सा भी प्यारा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं लोगों से, जिससे ऑडियंस अट्रैक्ट होती है। नेक्स्ट आप पूछ सकते हैं यहाँ पर कोई सरप्राइजिंग, क्लियर, कोई सा भी लोगों को सरप्राइजिंग दे सकते हैं, कोई एस्टोनिशिंग फैक्ट या एस्टोनिशिंग चीज़ें दे सकते हैं इस तरीके से, जिसे लोग आपको अट्रैक्ट करें, मतलब आपसे अट्रैक्ट हो जाए इस तरीके से। नेक्स्ट आप उसमें बोल सकते हैं कोई सा भी पावरफुल राइट, पावरफुल स्टेटमेंट, क्या हो सकता है पावरफुल स्टेटमेंट, कोई भी ऐसी पावरफुल स्टेटमेंट जरिए जो टॉपिक से रिलेटेड हो या फिर जो आपको इंस्पायर करती हो, जिससे आप जबरदस्त तरीके से बोलेंगे, जबरदस्त नहीं जबरदस्त तरीके से बोलेंगे पावरफुल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल मेरा दर्द मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा और मैं अपने दर्द को आज से आगे नहीं बढ़ने दूंगा, दिस इज अ पावरफुल स्टेटमेंट, आप ऐसे यूज कर सकते हैं एज यू वॉन्ट, जैसा आप चाहें। तो ये रही हमारी हेड ऑफ द स्पीच, इनिशियल स्पीच, स्टार्टिंग ऑफ द स्पीच, ओपनिंग द स्पीच, इसमें कोटेशन, स्टोरी, पजल, साइकोलॉजिकल फैक्ट, जोक्स, फैक्ट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सरप्राइजिंग, पावरफुल स्टेटमेंट, ऐसी सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हो आसानी से नॉर्मल। अब जब आपने स्टार्टिंग ऐसे कर दिया, उसके बाद आप थैंकिंग करेंगे, ग्रीटिंग करेंगे, जो भी करके फिर आप अपना मेन टॉपिक लाएंगे, तब ऐसे करके स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है। ये देखिए हमारा सेकंड स्टेप है, और सेकंड स्टेप में क्या होता है एग्जैक्टली, सेकंड स्टेप को क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टेप को क्या कहते हैं हेड ऑफ द स्पीच, सेकंड स्टेप को कहते हैं एक्चुअली बॉडी ऑफ द स्पीच, क्या कहते हैं बॉडी ऑफ द स्पीच, यानी कि कोई भी स्पीच जो होती है उस स्पीच की बॉडी क्या होती है या मेन क्या होता है, वो होता है ये वाला होता है, यानी बॉडी ऑफ स्पीच जो हम बोलने वाले हैं, जिसको हम एक अलग टर्म भी कर सकते हैं, जिसको कहते हैं कंटेंट कह सकते हैं, या जो आपका सब्जेक्ट है, मतलब जिस चीज़ पर आप बोलना चाहते हैं, या फिर जिस पर आपने स्पीच तैयार की है वो चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको आप ऐसे करके एक्सप्लेन कर सकते हैं आराम से, या फिर जो आप चीज़ डिस्क्राइब करना चाहते हो, क्लियर, डिस्क्राइब करना चाहते हो, जो चीज़ आप एक्सप्लेन करना चाहते हो राइट, मेन चीज़ आप वहाँ पर लाइव क्या हो ऑडियंस को देने के लिए, किस चीज़ की आप स्पीच दे रहे हो, वो हो जाएगा बॉडी ऑफ द स्पीच। इसके लिए आपको अच्छा खासा कंटेंट तैयार करना पड़ेगा, एक अच्छा खासा फैक्ट एंड विद पैटर्न एग्जैक्टली, अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा खासा आपका स्पीच जाने वाला है। तो ये हो जाता है सेकेंड स्पीच स्टेप। चलिए देख लेते हैं हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप, क्लियर, ये हो गया थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में एक्चुअली क्या होता है, थर्ड स्पीच को हम कह सकते हैं एक्चुअली एंडिंग ऑफ द स्पीच, क्या कह सकते हैं एंडिंग ऑफ द स्पीच, मतलब उस स्पीच की एंडिंग कैसे रहेगी, और इसी को कह सकते हैं हम लोग कंक्लूजन, क्या कह सकते हैं कंक्लूजन ऑफ द स्पीच, यानी स्पीच का कंक्लूजन क्या है, इसमें आप दर्शा सकते हैं, आप बता सकते हैं लोगों को, ऑडियंस को इस तरीके से, या फिर आप कह सकते हैं कि क्लोजिंग ऑफ द स्पीच, कैसे कह सकते हैं क्लोजिंग ऑफ द स्पीच इस तरीके से, या फिर ये हो गया एंडिंग ऑफ द स्पीच, कंक्लूजन ऑफ द स्पीच, क्लोजिंग ऑफ द स्पीच, या फिर आप कह सकते हैं कि समरी ऑफ द स्पीच, डबल एम, समरी ऑफ द स्पीच इस तरीके से, क्लियर। तो ये हो गया एंडिंग ऑफ द स्पीच, कंक्लूजन ऑफ द स्पीच एंड क्लोजिंग ऑफ द स्पीच, समरी ऑफ द स्पीच, और हो सकता है यहां पर कि मोरल ऑफ द स्पीच, स्पीच, क्लियर, इस तरीके से मोरल ऑफ द स्पीच। तो चार तरीके इधर हो गए, आप ऐसे करके यूज कर सकते हैं। अब नॉर्मली हम लोग ये भी कहते हैं कि मैसेज ऑफ द स्पीच, मैसेज ऑफ द स्पीच इस तरीके से। तो ये सारे तरीके होते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल दैट अगर आप कोई सी स्पीच दे रहे हैं लेकिन उस स्पीच का कोई मतलब ही ना निकले तो फायदा क्या। अगर आपने 3-4-5 मिनट की स्पीच दी, मोस्टली देखिए 3 मिनट से स्पीच को कम मत करिएगा, ऊपर ही रहेगा तो बेटर रहेगा, 4 या 5 के बीच में करिएगा तो नॉर्मल एंड बेटर माना जाता है, क्लियर इस तरीके से। तो आप बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्पीच दे रहे हैं, इफ यू गिविंग स्पीच, अगर उसका कुछ कंक्लूजन ही नहीं निकलता है तो व्हाट इज द यूज ऑफ गिविंग दैट स्पीच, उस स्पीच को देने का मतलब क्या होगा। एंड नेक्स्ट वन, आप ऐसे वर्ड बहुत यहाँ यूज करिए जहां पर ऑडियंस कंफ्यूज रहे, नॉर्मल यूज करेंगे तो दैट इज अ बेटर एग्जैक्टली, सम वर्ड्स यू कैन ऐड इन दैट, कुछ वर्ड ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें कि सारे एकदम मार रहे इतने तरीके से कि
पूरी ऑडियंस कन्फ्यूज है, तो नो यूज ऑफ दैट एग्जैक्टली. तो दैट्स वाई यू नो ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड एग्जैक्टली दैट वट आर यू गोइंग टू टेल देम, वट आर गोइंग टू कन्विंस देम. आप समझाने क्या जा रहे हैं, बताने क्या जा रहे हैं, एक्सप्लेन क्या करने जा रहे हैं, तो बेटर रहेगा. तो उसी में आएगा एंडिंग ऑफ द स्पीच, कंक्लूजन ऑफ द स्पीच, क्लोजिंग ऑफ द स्पीच, समरी ऑफ द स्पीच, मोरल ऑफ द स्पीच एंड मैसेज ऑफ द स्पीच. ऐसे करके आप लोगों को बोल सकते हैं लास्ट में कि भाई मेरे कहने का मतलब ये था, मैं स्पीच इसलिए दिया, आई मीन टू से द मोरल ऑफ द स्पीच इज, जैसे पूरी स्पीच आपने दिया, उसके बाद क्या करेंगे उसका एक आप नॉर्मल सा समरी बता दीजिए, ताकि अगर पूरी स्पीच ना किसी को समझ में आए तो कम से कम उस स्पीच से एंडिंग से मैसेज तो समझ जाए कि स्पीच की क्या थी. आपको थ्री स्टेप्स मैंने बताया. सबसे पहले बताया मैंने हेड ऑफ द स्पीच, नेक्स्ट बताया मैंने बॉडी ऑफ द स्पीच, थर्ड हमारा एंडिंग ऑफ द स्पीच जिसको हम टो ऑफ द स्पीच कह सकते हैं, और बहुत सारी चीजें कह सकते हैं. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में. दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द स्पीच. थैंक यू.